आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में अपना बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि यहां पर चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है। चर्चा यह है कि आज एक ऐसे हत्याकांड को अंजाम दिया गया जिससे मानवता शर्मसार हो गई, इससे समाज शर्मसार हो गया और इससे रिश्ते शर्मसार हो गए। यहाँ बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ बात होने वाली है दिल्ली के शाहबाद डेयरी क्षेत्र में घटे साक्षी हत्याकांड की। ऐसा हत्याकांड जिसने एक नए तरह के रुख को अंजाम दिया है, ऐसा हत्याकांड जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है, ऐसा हत्याकांड जिसने दिखा दिया है कि भले ही हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, भले ही हम रिश्तों की बात करते हैं, भले ही हम दर्द की बात करते हैं, भले ही हम सहानुभूति की बात करते हैं, भले ही हम जब कोई कांड होता है जो 16 दिसंबर 2012 को हुआ था तो तमाम लोग मोमबत्ती लेकर निर्भया की समर्थन में निकल पड़े थे कि निर्भया के साथ ऐसा कांड क्यों हुआ। वो विवश हत्याकांड हुआ था, इतना बड़ा कांड हुआ था, गैंगरेप के बाद जिस तरह से उसकी मृत्यु हुई थी, पूरा देश में एक अलग तरह का आक्रमकता का माहौल था। सजा भी हुई और वो भी सजा में भी कितने साल लग गए, लगभग 8 साल, मार्च 2020 में सजा मिली न्यायपालिका ने। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हत्याकांड तो यहां गैंगरेप का नहीं था, पर जो हत्याकांड था वो दिखा रहा था कि मानवता किस तरह अब दर्द से अलग हो चुकी है, ना दर्द है ना सहानुभूति है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब वो हत्याकांड अंजाम दिया जा रहा था तब वहां पर महिलाएं भी गुजरी हैं, पुरुष भी गुजरे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात है वीडियो बनाने वाले भी जो वीडियो बना रहे थे पर उस आरोपी साहिल को रोकने का प्रयास नहीं किया गया, जिसे दर्जनों बार किए साक्षी पर और आखिरी पत्थर पटक कर उसकी हत्या कर दी और आराम से वहां से निकल गया। दो बातें सामने आती हैं, अगर यहां आरोपी साहिल भी जिम्मेदार है उस हत्याकांड का तो शायद वो समाज भी जिम्मेदार है जो समय वो हत्याकांड को देखता हुआ निकल गया पर किसी ने भी उस आरोपी को रोकने का प्रयास नहीं किया। क्या दर्द नहीं था? क्या साक्षी किसी और की बहन नहीं थी? साक्षी किसी की बहन भी थी, किसी की बेटी भी थी, किसी की रिश्तेदार भी थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात है वो एक लड़की थी जिसकी बात करते हैं कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, जहां दावे करते हैं नारी सुरक्षा के, पर अगर उसी नारी सुरक्षा का इस तरह हत्याकांड का एक अलग तरह से चेहरा सामने आना स्पष्ट करता है कि बात तो हम नारी सुरक्षा की करते हैं, बात हम 21 सदी की करते हैं, पर कहीं ना कहीं आज भी स्थिति बड़ी अलग है। न दर्द है न सहानुभूति है न रोकने का प्रयास है, बस चर्चा है यहां पर राजनीति की। और हम देखेंगे कि बहुत जल्द इस मामले पर भी राजनीति होगी, राजनीति होगी धर्म की, क्योंकि यहां पर जो लड़की है कहा जा रहा है वो हिंदू वर्ग से है, जो लड़का है वो मुस्लिम वर्ग से है, और धार्मिक राजनीति यहां जरूर होगी, साक्षी को इंसाफ मिले ना मिले पर सियासत यहां पर जरूर होगी। पर पहले वो वीडियो देख लेते हैं, वो फुटेज देख लेते हैं जिसमें आरोपी उस हत्याकांड को अंजाम दे रहा है। हमको वीडियो दिल्ली में दिल दहला देने वाली हैवानियत, कातिल करता रहा वार, मासूम हुई शिकार, चाकू से कई बार दरिंदगी की हद पार, वो मारता रहा लोग तमाशा देखते रहे, पत्थर से अटैक, टूटती रही सांसें, जब दम तोड़ रही इंसानों की इंसानियत। देखिए ये वही वीडियो है, हमने ब्लर किया हुआ है, जिसमें लोग निकल रहे हैं, बगल से जा रहे हैं, देखते हुए जा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, पर एक भी इंसान ने वहां पर रुककर उस आरोपी को रोकने का प्रयास नहीं किया। यहां पर एक प्रश्न अगर उस हैवानियत पर उठता है तो एक प्रश्न उस इंसानियत पर उठता है जो लोगों ने उस समय छोड़ दी थी। अगर एक प्रश्न इस हत्याकांड पर उठता है तो एक प्रश्न कानून व्यवस्था पर भी उठता है कि इतना बड़ा हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया और पुलिस वहां पर पहुंच नहीं पाई, जबकि कहा जाता है कि पुलिस वहां तुरंत पहुंचती है, राजधानी है देश की, पर यह राजधानी अब कानून व्यवस्था के नाम पर केवल खिलवाड़ करती नजर आ रही है और ठेंगा दिखा रही है उन व्यवस्थाओं पर जिनको हम कहते हैं कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, जिसको हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर आज स्थिति जो सबके सामने है वो स्पष्ट करती है कि निर्भया कांड भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। वो हमने देखा नहीं
पर यहाँ पर जो कांड हमने साक्षी के साथ देखा है, कुछ ऐसी ही स्थिति वहां भी रही होगी। पत्थर से मारना दर्जनों बार चाकू के उस नाबालिग पर, जिसकी गलती क्या थी ये अब तक पता नहीं है, पर एक बात तो स्पष्ट है कि हत्याकांड हुआ है और हत्याकांड पर अब राजनीति जरूर होगी। महत्वपूर्ण चर्चा विषय है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ना धैर्य, ना व्यवस्थाएं, क्या प्रेम में पागलपन या दूसरी बात, क्योंकि यहां पर अभी कुछ चीजें निकल के नहीं आए हैं और साहिल चला जाता है। हालांकि बुलंदशहर से उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, पर कहीं ना कहीं आज एक बड़ा प्रश्न हत्याकांड पर भी है, कानून व्यवस्था पर भी है और सबसे बड़ा प्रश्न इंसानियत पर भी है। चर्चा विषय महत्वपूर्ण है, वहां से कुछ दिनों में मेहमान जुड़ने वाले हैं। और आज एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि केवल कानून व्यवस्था पर हम कब तक एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस की नाकामी है और दिल्ली पुलिस अगर हमारे पास होती तो शायद बेहतर परिणाम होते, पर अगर राज्यों में सरकार है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो शायद पुलिस भी उनके सेवा में रहनी चाहिए, उनके अधीन करनी चाहिए। पर चूंकि देश की व्यवस्थाएं हैं, पर यहां पर व्यवस्थाओं के बीच में जिस तरह से एक हत्याकांड हुआ है उससे मानवता शर्मसार हुई है। और महत्वपूर्ण चर्चा विषय आज का इसी सब में मेहमान जुड़ चुके हैं। अश्विनी शाही प्रवक्ता भाजपा से अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से विवेक पांडे अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता रालोद से अंकुर सक्सेना अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से अमित गुरु अपनी बात रखेंगे और समाज सेवी ग्रुप में अजरा मोमिन अपनी बात रखेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी भाई, हत्याकांड ऐसा जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम सरे रहा है, कैसे देखते हैं हत्याकांड को या वहां शमसार हुई इंसानियत को जिसने रोकने का प्रयास भी नहीं किया? अकेला आदमी, अकेला लड़का, कोई रोक नहीं, लोग वीडियो बनाते रहे, कैसे देखते कानून व्यवस्था को और कैसे देखते हत्याकांड को? बहुत ही दुखद और शर्मनाक ये हत्याकांड हुआ है। इस लड़की को श्रद्धा सुमन, उस परिवार को इस दुख की घड़ी में जो है संवेदनाओं की आवश्यकता है। राजनीति तो बहुत होती रहेगी, आगे होगी, जैसा आपने कहा जी। आपने सही सवाल उठाए जी, आपने कहा कि अगर सवाल हैवानियत पर उठेगा जी तो सवाल इंसानियत पर भी उठेगा। बिल्कुल, ये सत्य है। आज के परिवेश में अगर देखा जाए तो एक आम नागरिक, ये एक आम भाषा हो रही, चाहे किसी की सरकार हो, मैं सरकारों की बात नहीं कर रहा हूं जी, सीधा वोट दे ना दे उसको अपना अधिकार नहीं समझता है वो जी, कि हम वोट देने तक जाएं और वोट देकर अपने अधिकार का प्रदर्शन करें जी। मगर वहां से लौटे न लौटे 6 महीने बाद सरकार निकम्मी है, सरकार नकारा है और हर गलत काम करके आदमी आगे बढ़ना चाह रहा। ये वीडियो सबने देखा है जी, और वाकई इंसानियत को शर्मसार कर रहा है। इतने लोग, जितने लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, उतने लोगों ने अगर एक बार हिम्मत दिखाई होती वीडियो बनाना छोड़कर जी, तो वो हत्यारा पकड़ा जाता जो वहां पर उस लव जिहाद के एंगल को अंजाम दे रहा था, चाकुओं से गोद रहा था जी। पुलिस पहुंची, देखिए आपने कहा कि पुलिस नहीं पहुंची, पुलिस पहुंची, पुलिस देखिए इतने 140 करोड़ की आबादी है और पूरे 140 करोड़ की आबादी में पुलिस की संख्या देख लीजिए जी, वो उतनी नहीं होती है कि आप एक आदमी के पीछे एक पुलिस लगी हो। बिल्कुल, लेकिन पुलिस पहुंची वहां जी, हत्यारा भाग गया जी, पकड़ा भी गया जी। अब देखने में यही आया कि उसने जो है सबके सामने एक हत्या को अंजाम दिया। ये सबसे दुखद बात है कि जनता के सामने भी दिया, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी कुछ कानून की सहायता करें, सिर्फ आरोप लगाने से राजनीति तो बहुत होगी। केजरीवाल जी ने कहा जो बात कि हमारे हाथ में पुलिस होती तो हम ये कर देते, हमने देखा था उनके हाथ में पंजाब पुलिस आई तो दिल्ली में जो उन्होंने कुमार विश्वास के यहाँ भेज दिया और अलका लांबा या किसके यहाँ भेज दिया, सबको पकड़ के उठा ले गए, एक सरदार जी कौन से नेता थे उनके यहाँ भेज दिया जी, बग्गा साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जी, उसके बाद जेल उनके अंतर्गत था तो किस तरीके से जो है वहां पर सलाद और ड्राई फ्रूट खिला रहे थे सत्येंद्र जैन को जी, तो ये वहां पर जो है उनके हाथ में होता तो बहुत कुछ कर लेते जी, तो वो ये ना कहें, राजनीति ना करें, पुलिस अपना काम कर रही है, करेगी जी। और मैं तो कहूंगा कि इन दरिंदगी जो भी लोग कर रहे हैं जी, इन हैवानों को 1 महीने 2 महीने अगर न्यायपालिका में ये व्यवस्था हो
जी, दो चार महीने के अंदर सुपर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए और इनको फांसी दिया जाए। भाई सरकार आपकी, क्योंकि प्रयास आपको करने पड़ेंगे जी। नहीं मैं ये मैं कह रहा हूँ, देखिए ये एक बेटी की जब हत्या होती है तो गौरव भाई एक बड़ी ही संवेदनशील चीज होती है जी। हमारी भी बेटी है, आपकी भी बेटी है, बहुत ही निंदनीय चीज है। आज के समय में जिस तरीके से कलावा बांध कर हम अगर कहते हैं कि लव जिहाद है, अच्छा। आज देखिए उस साहिल जो पकड़ा गया है उसके हाथ में कलावा क्यों है जी? पुलिस वाला जब लेकर खड़ा है उसके हाथ में देखिए कलावा है जी। इसका मतलब कि छलावा किया जा रहा है कलावा की आड़ लेकर, अच्छा। और ये हर शहर में केरला स्टोरी चालू है, अच्छा। इसको ध्यान देना होगा और इसकी ये संस्कार हमारे घर में हमारे माताओं बहनों को हम आपके चैनल के माध्यम से हम कहेंगे कि माताएं बहनें गार्जियन सब पर ध्यान दे कि इस छलावे के चक्कर में ना आवे जो कलावा पहनकर किया जा रहा है। अच्छा, जो रहमत जो है बबलू बनकर और गुड्डू बनकर जो है हमारी साक्षी को निर्भया को लेकर भागने की कोशिश कर रहे हैं, इन पर लगाम लगाएं। ये आधे से ऊपर काम हमारे परिवार के लोग कर सकते हैं जो अपनी बहन बेटियों को कुछ संस्कार दे सकते हैं। निर्भया कांड हालांकि लव जिहाद नहीं था वहां पर, कोई भी आरोप नहीं, वो नहीं था। मैं निर्भया की एक नाम आ जाता है मुंह पर, लेकिन वो लव जिहाद नहीं था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक दूसरी लड़की का जो है वो दिखाई दिया यहाँ से लेकर मुंबई तक, किस तरीके से सूटकेस में 32 टुकड़े हुए थे जी। कितनी घटनाएं हो रही हैं। सिद्धार्थ कांड था जी, आपको याद होगा जी, दिल्ली का था, ठीक है, मैरोडी का, ठीक है। नेता सपा वेव पांडे कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर खेल एक घटना ही है, तमाम ऐसी घटना है। उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक शहर अयोध्या में भी कल घटना हुई, हालांकि घटना अलग है, वहां पर भी संदिग्ध मामला है, अरेस्टिंग भी हुई है, गिरफ्तारी भी हुई है और रिपोर्ट भी हुई है, पर जो दिल्ली में हुआ है वे पांडे उसको क्या कहेंगे? सोची समझी साजिश और इंसानियत शर्मसार। गौरव भाई पहले तो पूरे मंच को मैं प्रणाम करके अनुमोदन के साथ अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की अनुमति चाहूंगा। मंच पे आज एक से एक बुद्धिजीवी आसीन है जी, अश्विनी शाही भाई हैं जी, अंकुश जी हैं, अमित जी, भाई हैं और अजरा जी हैं जी, सभी बुद्धिजीवी हैं, सभी अपने आप में परिपक्व सोच के साथ, परिपक्व मस्तिष्क के साथ मुझे लगता है समाज को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं जी। हर अपराध को मुझे लगता है कि किसी कलावा किसी छलावा से जोड़ने से बेहतर है, अच्छा। हमें कहीं ना कहीं ये आत्ममंथन करने की आवश्यकता है आज के दौर में कि निर्भया के बाद भी हमारी आंखें अगर नहीं खुली तो मुझे लगता है कि हम वाकई कबीले वाली व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। क्या बात है। इस देश की जनता, इस देश की जनता सरकारों से कहीं ज्यादा जिम्मेदार है ऐसे घटनाओं के लिए जो कि घटना स्थल पे अपनी आंखें मूंद लेती है, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ है जी। आज मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं दिल्ली की उस जनता को जो उस समय मौके पे थी उसको किस तरह के शब्दों से संबोधित करूं जी। मुझे लगता है कि इससे काफी अच्छी स्थिति में अभी भी कई राज्य हैं जहां पे लोगों में कम से कम इस तरह की घटनाओं को देखते ही संवेदनाएं जाग जाती हैं जी। ऐसा नहीं है, मैं कई उदाहरण आपको दे सकता हूं जहां पे कि ऐसी घटनाओं को रोका भी गया, लेकिन दिल्ली में आज मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये मुफ्त की रेवड़ी ने कहीं ना कहीं लोगों में एक लेमन एटीट्यूड की भावना पैदा कर दी है। अच्छा। अब मुझे आज ये लग रहा है, अच्छा। मैं देखिए एक विधिक प्रैक्टिशनर भी हूं तो मुझे इस बात को कहने में कोई कोताही नहीं है कि दिल्ली की जनता गैर जिम्मेदार, कायर और अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाली बनती जा रही है, अच्छा। उसको कहीं ना कहीं जगाने और अपने अंदर आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, अच्छा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज इस बात से किसी के भावनाएं आहत होती हैं, इन शब्दों से कोई ये कह दे कि दिल्ली की जनता का अपमान हुआ, अपमान करने लायक हो, क्योंकि जब उस बच्ची पे चाकू के प्रहार हो रहे थे आप देखिए वहां से दसों आदमी और कम से कम दसों महिलाएं गुजर रही हैं जी। और वो इस तरह से गुजर रही हैं नजरअंदाज करते हुए ऐसी घटना को कि भाई जैसे लग रहा है कि यहाँ फिल्म की शूटिंग चल रही है या वो प्रैक्टिस कर रहा है किक मारने की, वो चाकू लेके सड़क पे। विवेक भाई जी, एक आपके लाइन में एक लाइन मैं जोड़ना चाहता हूं कि किसी एक चैनल पर मैंने वहां की महिलाओं का इंटरव्यू देखा जी। और जब पत्रकार भाई ने पूछा जी। उस महिला ने ये कहा हाँ। कि यहाँ तो ऐसे होता रहता है, लीजिए ये आदत पड़ चुकी है। बताइए, मैं इसीलिए आ रहा हूं, मैं इसीलिए इस बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जिस तरह का रवैया जी, जिस तरह की निष्क्रियता, जिस तरह की अमानवीयता, जिस जी, तरह की असंवेदनशीलता आज दिल्ली की जनता ने दिखाई, माफ कीजिएगा मैं ये बहुत पहले, अगर आप देखेंगे मेरे सोशल डोमेन में होगा जी, मैं चाहता हूं कि देश की राजधानी को दिल्ली से हटा दिया जाए, क्योंकि ये दिल्ली कलंकित रही है, इतिहास से लेकर आज तक का इतिहास है, अच्छा। इस दिल्ली ने देश के ऊपर केवल कलंक लगाने का काम किया है, अच्छा। और कहीं ना कहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिल्ली
ऐतिहासिक धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर इस देश में कई राष्ट्र है, कई शहर हैं, कई ऐसे शहर हैं जहां की जनता भी जागृत है, जहां की जनता मेहनती है, जहां की जनता संवेदनशील है, लेकिन दिल्ली की अगर जनता इस भारत की जनता है तो माफ कीजिएगा, मैं अपने आप को आज इस भारत से अलग करना चाहूंगा। मैं नहीं चाहूंगा कि मुझे इस दिल्ली के साथ जोड़ करके ऐसी जनता के साथ दिखाया जाए जिसमें कि इतनी अमानवीयता है कि एक बच्ची को, मतलब दसवीं की एक बच्ची के ऊपर चाकू से प्रहार कर रहा है लगातार वो एसी ठीक करने वाला लड़का जिसको बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया, लेकिन वहां की जनता मौन होकर के निकलती जा रही है। और अश्विनी भाई ने भी जोड़ भी दिया कि लोग कहते हैं ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, तो ऐसी घटनाओं का जिम्मेदार कौन ये बाद में तय करेंगे, क्योंकि ये प्राथमिकता है नहीं। दिल्ली पुलिस के अधिकारी तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जंतर मंतर या वहां के अफसरशाही को, इस समय वैसे भी वीआईपी मूवमेंट काफी हैवी है दिल्ली में, तो लोगों का ध्यान तो वहां पे होगा ज्यादातर, जो मुझे लगता है। मैं ये बात से बिल्कुल सहमत हूं कि देखिए पॉपुलेशन जब ज्यादा होती है तो बिल्कुल हर आदमी के पीछे आप पुलिस नहीं लगा सकते। उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि 3.25 लाख पुलिस फोर्स के आसपास मुझे लगता है कि एक एक आदमी 835 आदमी के ऊपर एक पुलिस वाला यहां पे कानून व्यवस्था को देखने की जिम्मेदारी का दायित्व तय करता है। तो मैं अगर यूपी की भी बात करूं तो भाई घटना तो देखिए अभी अयोध्या में भी हुई। अच्छा, मैं इसको किसी जिहाद से नहीं जोड़ूंगा, मैं इसको सिर्फ अपराध को अपराध की नजर से देखता हूं। हमारे लिए अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, वो आईपीसी सीआरपीसी की धाराओं में। किस प्रकार से एजेंडा चल रहा है केरल स्टोरी जो बताया, केरल स्टोरी की बात कर लेता हूं। केरल स्टोरी पे अभी एक आरटीआई एक्टिविस्ट है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने एक आरटीआई डाली और गृह मंत्रालय से एक डेटा मांगा। ये डेटा मांगा कि जो केरल स्टोरी में दिखाया गया है कि इतनी बच्चियां इस दौरान गायब हुई हैं, इसके बारे में गृह मंत्रालय का क्या कहना। गृह मंत्रालय से स्पष्ट आ गया लिख करके, ऐसी उनके पास कोई जानकारी नहीं है। तो ये सवाल ही समाप्त हो जाता है। मुझे लगता है केरल स्टोरी एक मनोरंजन है, उसको मनोरंजन के भाव से देखिए। आंकड़ा आपको पता होगा महाराष्ट्र से भी बड़ी संख्या में, महाराष्ट्र महाराष्ट्र का बिल्कुल, इस बात को पिछली डिबेट में इस बात को हमने यहाँ उठाया भी था, मैंने ही आंकड़े रखे थे। महाराष्ट्र के आंकड़े लेकिन चौंकाने वाले बिल्कुल आए हैं। महाराष्ट्र में वहां की महिला आयोग ने भी इसका संज्ञान लिया है, वहां की पुलिस ने भी इसका संज्ञान लिया है और इस पे बकायदा जांच जारी है। लेकिन गृह मंत्रालय अगर केरल की इस स्टोरी को लेकर के केरल फाइल्स में जो दिखाया गया उस पर अगर अपनी स्थिति को स्पष्ट करता है तो मुझे लगता है कि आज इस पैनल पे बैठ करके अश्विनी भाई अपनी सरकार पे तो सवाल नहीं उठ। सबसे महत्वपूर्ण बात है कौन सी स्टोरी है, पर यहाँ पर महिला गायब होना कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था प्रश्नचिन्ह लगाती है। नहीं, सवाल तो है स्टोरी केरल की है मुंबई की है, वो तो आने वाले समय में। गौरव भाई, इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि यहाँ पे कानूनों की स्थिति लचर है। अच्छा, आप जो जिस पुलिस से सुरक्षा की उम्मीद करते हैं उस पुलिस की व्यवस्था 1861 के अंग्रेजी पुलिस कानून से प्रेरित है, जिस पुलिस कानून के द्वारा अंग्रेजों ने हमारे देश के आंदोलनकारियों, क्रांतिकारियों, सत्याग्रहियों का दमन किया, लाठियां चलवाई, गोलियां चलवाई, आंदोलनों को दबाने का काम किया, और जिस अत्याचार के कारण ये देश लड़ते लड़ते 1947 में जाकर के आजादी पाता है, उस 1861 को एक काले कालिक की तरह तमाचा मार के आज भी भारत की व्यवस्था में थोपा गया है। पुलिस के प्रति बड़ा आपका सद्भाव है, अच्छी बात लगी। पर जाना जा रहा मुझे एक बात याद आ गई कि अखिलेश यादव कुछ से पहले सिग्नेचर बिल्डिंग को घेरने गए थे तो पुलिस की चाय पीने से मना कर दिया था। आपका प्रेम जायज है पर ये क्या था वो मुझे समझ में नहीं। आप चाहें तो जवाब अभी ले लीजिए, चाहे अगले टर्न जवाब दे दीजिए। देखिए, जब अधिकारी पुलिस में दो कैटेगरी है, पहले तो आप इसको समझ लीजिए पुलिस की व्यवस्था को। हाँ बिल्कुल, प्रेम देख के मुझे याद आ गया, मैं तो जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए। दो कैटेगरी होती है, एक गेस्टेड कैटेगरी, एक नॉन गेस्टेड, एक राजपत्रित, एक अराजपत्रित। अच्छा, राजपत्रित अधिकारी वो होते हैं जो की सिंडिकेट में काम करने की मतलब कवायद में रहते हैं। ये ज्यादातर अधिकारी जो होते हैं मंत्रियों को खुश करने, सत्ताशाही को खुश करने, राजशाही को खुश करने की ओर दिशा में काम करते हैं। नॉन गेस्टेड वो होते हैं जो आपके हमारी तरह सड़कों पर धूल खा रहे होते हैं, आपके हमारी तरह सड़कों पर आए दिन समस्याओं का सामना करते हैं, लेकिन उनकी कोई सुध नहीं लेता, उनके साथ शायद अर्दलियों जैसा व्यवहार किया जाता है। क्योंकि उत्तराखंड में जब बॉर्डर स्कीम हटाई थी हाईकोर्ट ने तो कहा था एक पुलिसकर्मी के साथ अर्दलियों जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। उससे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आज उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है, मैंने तो एक कविता लिखी थी केवल कुछ दिन पहले, आए दिन उत्तर प्रदेश में तो आप सुरक्षा की जिससे गुहार करते हैं वो आए दिन सड़क पे मर रहे हैं, वो आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के पास मुझे नहीं लगता कोई आंकड़े होंगे और जो फाइलें होंगी उनकी आत्महत्याओं से जुड़ी या उनकी मृत्यु से जुड़ी उस पे केवल एक चीज होती है, पारिवारिक तनाव था या मानसिक अवसाद था। इन दो कारणों के अलावा आज तक उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान क्यों मर रहे हैं कोई तीसरा कारण किसी को नहीं पता चला। और उससे बड़ी बात मैं कहता हूं, आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, क्यों एक माइनर की जो एजिंग की क्राइटेरिया है वो इतनी कम है। निर्भया कांड में भी एक माइनर को 16 साल से कम उम्र के व्यक्ति को, बच्चे को छोड़ दिया गया। मैं उसको बच्चा नहीं मानता, वो तो हैवान था जिसने इस पूरे कांड में सबसे जघन्य रोल प्ले किया था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं संशोधन करते हुए, भाई परिपक्वता तो देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल प्लेटफॉर्म का जमाना है, मुझे लगता है परिपक्वता को देखते हुए, आचरण को देखते हुए थोड़ा सा इसको
मॉडर्नाइज करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है इस व्यवस्था को घटाते हुए, आयु दर को घटाते हुए 12 या 13 साल करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे अपराध करने के बाद आयु का, एज का बेनिफिट लेकर के, बेनिफिट ऑफ डाउट लेकर के अगर कोई बच रहा है तो मुझे लगता है ये हम स्वयं पे थोपने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगले चरण में फिर आएंगे। अंकुर सक्सेना, अंकुर भाई, भाई आप लोग बड़ा संगठित रहते हो, तमाम मुद्दों को उठाते रहते हैं। पहलवान वाले मुद्दे पर भी जयंत चौधरी वहाँ पर समर्थन देने गए थे और बात कही थी, पर इस हत्याकांड पे आपकी क्या राय है? क्योंकि यहाँ पर राय तो सबसे महत्वपूर्ण है कि किस तरह देखेंगे इसको। मानवता शर्मसार हो चुकी है, कानून व्यवस्था में प्रश्न उठ चुका है, पर जिस तरह से यहाँ पर घटनाएं हो रही हैं, अश्विनी शाही बोल चुके हैं कि नाम साहिल, हाथ में कलावा, ये कैसा छलावा, और केरल स्टोरी की बात भी उन्होंने कही है, क्या हर जगह एजेंडा चल रहा है। पर एक जो हत्याकांड है इस पर एक सवाल उठना जरूरी है कि क्यों ऐसा हो रहा है। अंकुर सक्सेना, गौरव भाई देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस बच्ची के साथ में इतना दुखद घटनाक्रम घटित हुआ है उसके जो आचरण है उसको मैं धर्म, जाति या किसी भी समुदाय से परे रखते हुए केवल इतना कह सकता हूँ कि मैं निशब्द हूँ। रीजन क्या है कि सबसे बड़ी बात है, इतना क्रूर से, क्रूरतम तरीके से और जघन्य तरीके से यह हत्याकांड अंजाम दिया गया है कि मैं ये नहीं महसूस कर पा रहा हूँ कि किन शब्दों में इस हत्याकांड को लेकर टिप्पणी करूं। दूसरा, आम जनमानस को लेकर, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रतिनिधि महोदय या समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि महोदय ने कहा है, कहीं ना कहीं मेरी भी इस समय स्थिति सेम टू सेम है, क्योंकि हम लोगों के ऊपर, राजनीतिक दलों के ऊपर यह आरोप लगा दिया जाता है या आम जनमानस राजनीतिक दलों से यह अपेक्षा करती है कि हम लोग उनकी आवाज बने, लेकिन जब अवसर आता है तो आम आवाम को भी राजनीतिक दलों के और दलीय बाध्यता से परे रहकर किस तरीके के अपराधों को रोकने के लिए स्टेप लेना चाहिए था। आज की डेट में जब वीडियो वायरल हो रहा है, कम से कम मैं देख रहा हूँ कुछ नहीं तब भी 40 से 50 लोगों का वहां पे मैंने देखा, जितनी देर ये वीडियो चला है, प्रकरण चला है, 40 से 50 लोगों ने वहां पर चहलकदमी की है। अब ऐसी स्थिति में उनमें से अगर 4 या 5 लोग भी थोड़ा सा बोल्ड एक्शन ले लेते तो आज वो जो बच्ची है साक्षी, वो हमारे बीच में जीवित होती। बिल्कुल। अब आते हैं महिला अपराधों के प्रति। देखिए सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु क्या है, क्या केवल हम दिल्ली को लेकर, जाति को लेकर या धर्म को लेकर महिला अपराधों को बांट सकते हैं? कदापि नहीं बांट सकते। अगर केवल आप जाति और धर्म के आधार पर बात करते हैं तो महिला अपराध तो मैं ये मानता हूं प्रदेश लेवल नहीं, नेशनल लेवल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर महिलाओं के प्रति सबसे ज्यादा अपराध किए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये तो धर्म, जाति और आप कह लीजिए सीमाओं से परे अपराध है जो महिलाओं के प्रति होता है। लेकिन फिर भी अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि महोदय इस बात को कहते हैं कि ये लव्य याद की श्रेणी में आ रहा है या इसको धर्म या जाति की श्रेणी में बांटना चाहते हैं, तो मेरे भाई अभी जो अनन्या श्रीवास्तव बच्ची के साथ में क्रूरतम अपराध हुआ वो भी उत्तर प्रदेश में हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उसकी भी बात होनी चाहिए। हाथरस में जिस बेटी के साथ हुआ उसको भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात करनी चाहिए। इसके अलावा उन्नाव में जिस बच्ची के साथ में हुआ था जिसमें विधायक सेंगर का नाम आया था, वो भी लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड सब्जेक्ट है। लेकिन फिर भी मैं आज आपके सम्मानित चैनल पे कह रहा हूं, मैं इन सारे विषयों को टिप्पणी से परे रखकर अपनी बात रख रहा हूं, लेकिन चूंकि आपने निर्भया का उदाहरण दिया, आपने श्रद्धा का उदाहरण दिया, आपने आज बच्ची साक्षी का उदाहरण दिया, इसलिए मजबूरी वश मुझे इन सब्जेक्टों का उल्लेख करना पड़ा। अब सवाल उठता है कि क्या हम लोग समाज में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पा रहे हैं? हम लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन, आपके सम्मानित चैनल पर डिबेट पे बैठे हैं, आज सारे मीडिया पैनलिस्ट मिलकर आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से एक ही बात रख रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने इस तरीके का अपराध किया है और श्रद्धा के साथ में इतना जघन्य अपराध किया, उसको स्पीडी ट्रायल के माध्यम से 30 दिन के अंदर दलही सरकार जो है वो सजा दिलवाने का प्रयास करे। और मुझे लगता है इस पैनल में बैठ के आज कोई भी इस विषय पर टीका टिप्पणी नहीं करेगा और ना इस बात का विरोध करेगा, लेकिन प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की होती है। अब अभी आपके सम्मानित चैनल पे एक चर्चा में बात उठ रही थी कि पुलिस उतनी नहीं है जितनी देश की पॉपुलेशन है। मेरे भाई अगर पुलिस उतनी नहीं है जितनी देश की पॉपुलेशन है तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सरकार में है उसकी जिम्मेदारी होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को उस हिसाब से डेवलप करे, क्योंकि कभी भी आप पर व्यक्ति के हिसाब से, पर पर्सन के हिसाब से पुलिस की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक के बीच में लॉ एंड ऑर्डर का भय होना चाहिए, उसको ये बात ज्ञात होनी चाहिए कि अगर मैं कानून को तोड़ रहा हूं तो कानून में जिन सजाओं का प्रोविजंस है वो ऐसी सजाएं हैं जिनसे वो बहुत जल्दी बरी नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर दिल्ली में आप ये बात कह रहे हैं कि वहां पर उस बच्ची के साथ भी ये दुखद घटनाक्रम हो गया और पुलिस जो है
ने बहुत समयक कार्य किया, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पुलिस बहुत जल्दी एक्टिव हो पाई। अच्छा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस अगर बहुत जल्दी एक्टिव होती तो ये जो लड़का भाग के वहां से बुलंदशहर में गिरफ्तार हुआ दिल्ली की सीमा ही ना क्रॉस कर पाया होता, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो तुरंत वायरल होने लगा था ना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं समयक रूप से पुलिस अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर पाई। हाँ, ये है कि उसने बाद में एक्शन मोड में आई है और उस बाद में एक्शन मोड होने के बाद आउट ऑफ स्टेशन उसने अरेस्टिंग की है। ठीक है, ठीक है। अमित गुरु, अमित भाई, कैसे लेते पूरे हत्याकांड को? क्योंकि यहाँ पर अब पिस्तौल उठाना जरूरी है और इस पर मंथन होना जरूरी है। कहाँ जा रहे हैं हम? मानसिकता, धैर्य खत्म, और जिस संस्कृति की हम बात करते हैं, जो संस्कृति के लोग अनुयायी रहे हैं, जिस संस्कृति का बोलबाला रहा है, वो संस्कृति यहाँ पर खत्म होती जा रही है। ऐसा हत्याकांड जिसकी कितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। अमित गुरु हत्याकांड की बहुत भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि न जाने कितनी बार हम इन हैवानियत पे डिबेट कर चुके हैं जी, न जाने कितनी बार भी इस तरह के दुर्दांत खबरें जी, असहनीय पीड़ा देने वाली खबरें जी आए दिन आती है। यह जो ताजा घटना है, निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि समाज जिस दिशा में जा रहा है वो तो जा रहा है जी। लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है और स्पेशली दिल्ली और दिल्ली एनसीआर से जुड़े मामले जो है जी, वो कहीं ना कहीं से दिल्ली की जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है जी, महिलाओं को लेकर जो सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए जी, वो सारी चीजें बिल्कुल ध्वस्त है। अच्छा। और आप देखिए, अभी तो हम कल संसद का उद्घाटन हुआ, नए संसद का जी, नए भारत की कल्पना की बात हो रही है जी, और इस नए भारत में हाई प्रोफाइल सिटी देश की राजधानी में अगर ऐसा कुछ हो रहा है, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं से लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठता है और इसकी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी को ही लेनी पड़ेगी जी। और वह भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी क्यों ले? अच्छा। मैं उसका भी जवाब दे दे रहा हूँ कि स्वतः एक ऐसे सवाल पैदा होते हैं जिसका मैं जवाब दे दूं। कुलदीप सेंगर के मामले में आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर जी, एक एक्स कैबिनेट मिनिस्टर चिन्मयानंद जी जेल में मिलने जाते हैं, कुशल क्षेम पूछने जाते हैं जी, वर्षों तक उत्पीड़न करता रहा कुलदीप सेंगर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किसी तरह का अंकुश उसके ऊपर नहीं लगाया जी। आपने हाथरस का कांड देखा जी, बिल्कुल, किस तरह से एक बेटी को जी मारा गया, जिंदा जलाया गया और उसके अंतिम संस्कार तक परिवार वालों को सभी नहीं होने दिया गया जी। उसी दिल्ली में निर्भया कांड को देखिए। आज मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, उनको आईना दिखाना चाहता हूँ। निर्भया कांड का वो दिन याद करिए जब हमारी ही यूपीए की सरकार थी और इतना दुर्दांत घटना घटित हुआ, संसार करने वाला जी, और पूरे विश्व में इसकी भर्त्सना हुई जी, और उसके बाद हमने एक कठोर कानून निर्भया कानून लाया और एक अंकुश लगाने का जो हमने काम किया वो एक नजीर जरूर है, लेकिन उस चीज को इम्प्लीमेंट कर पाने में ये सरकार नाकामयाब है। जंतर मंतर पे देश की बेटियां यौन उत्पीड़न को लेके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। कल नए संसद भवन का उद्घाटन होता है, राज्याभिषेक कराया जाता है मोदी जी का दोबारा। अच्छा। और वहां से चंद कदमों की दूरी पर देश की बेटियां अपनी आबरू के लिए लड़ाई लड़ रही हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी इस पूरे मामले में खामोश है। अच्छा। और तो और जिनके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है वह नई संसद में बैठ के उद्घाटन के कार्यक्रम को देख रहे हैं। सवाल इस बात का कितना गंदा मजाक देश की बेटियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हो रहा है। अच्छा। और जब इनके मंत्री, इनकी शासन सत्ता ही खुद बेटियों की आबरू लूटने पे तैयार हो, ये तो बेटी बचाओ का नारा देने वाले लोग, मुझे लगता है कि भाजपा के लोगों से बेटियों को बचाने की बहुत जरूरत है। अच्छा। और दिल्ली होता है। अच्छा। जो बिल्कुल, और दिल्ली के भाजपा ये कैसा है, स्पेशली दिल्ली जी, दिल्ली की जो राज्य की व्यवस्था है और केंद्र की जो व्यवस्था है उसके बीच की जो उलझन है उसका भी एक सही रास्ता निकालने की जरूरत है, उसका भी दुरुपयोग होता रहता है। अच्छा। मैं सिरे से ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और राज्यों की भी सरकारों में
बेटियों के को लेकर किसी तरह की सुरक्षा और बेटियां निर्भय होकर बाहर निकल पाए ऐसी कोई व्यवस्था मुकम्मल व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की और एक नहीं दर्जनों घटनाएं लगातार देश में और देश के अन्य राज्यों में देश की राजधानी में लोगों ने देखा है। ठीक है भाई। अजरा मोमिन महिला भी है दर्द भी जानती है और सबसे महत्वपूर्ण बात अजरा मोमिन समाज सेवी रूप में आपने तमाम चीजों को देखा है घटना कैसे देखती है सियासी व्यवस्थाओं को कैसे देखती हैं और आज जो बयानबाजी यहाँ पर हुई है जो कहा गया है उसको कैसे देखती हैं आपकी क्या राय है पूरे घटनाक्रम पर। देखिए गौरव जी जो मैंने आपके क्लिपिंग मैंने आपने जो दिखाया मैंने उसको देखा और देख करके वाकई मेरा खुद रोया खड़ा हो गया कि किस तरीके से इतनी विभत्स घटना हुई और एक बंदा एक नाबालिग बच्ची को वार पे वार कर रहा है और वहाँ की जनता वहाँ की पब्लिक मूक दर्शक बनी बैठी रही और मूक दर्शक ही नहीं तमाशबीन बनी बैठी रही। बिल्कुल सही बात। वो सिर्फ तमाशा देखती रही। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पर कि हम किस दौर में जी रहे हैं। सवाल हर इंसानियत पर खड़ा होता है। रही बात जब हम इसको मजहब के चश्मे से देखना शुरू कर देते हैं तो मुझे लगता है इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं वो उसकी पुनरावृत्ति होती ही रहती है। वो बारंबार घटनाएं इस तरीके से देखने को मिलती है। मैं एक बात कहना चाहूंगी अश्विनी शाही जी का मैं जवाब देना चाहूंगी कि इसको अगर मजहब के चश्मे से ना देखा जाता तो मुझे लगता ज्यादा बेहतर होता। अच्छा। कलावा की आप बात करते हैं तो मैं आपके लिए एक छोटी सी बात बताने जा रही हूँ। इन्फॉर्मेशन है ये कि कलावा बहुत सारे मुस्लिम ऐसे जो मजारों पर जाते हैं हाथ में बांधकर चले आते हैं। हालांकि मैं इसको बढ़ावा नहीं दे रही हूँ कि वो छुपा करके आया कैसे। वो एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वो एक मानसिक रोगी था जिसने इस तरीके की घटने को अंजाम दिया। मैं इसकी मजम्मत करती हूँ मैं इसकी भर्त्सना करती हूँ मैं कठोर शब्दों में इसकी निंदा करती हूँ कि इस शख्स को जितनी भी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए वो देनी चाहिए मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप इसको मजहब के चश्मे से खाली देखते रहेंगे बच्चियों का आकलन सिर्फ आप मजहब के चश्मे से करते रहेंगे तो साहब कभी भी आप भारतवर्ष में हम महिलाओं को इंसाफ नहीं दिला पाएंगे। मजहब के चश्मे से देखना बंद कर दीजिए। कोमल एक लखनऊ की लड़की होती है उसका अपने प्रेमी के साथ रिश्ता तय हो जाता है उसका चंद दिन दो दिन बचता है उसकी शादी होने को मढ़ियाओं लेकर के कुकरेल जैसे जंगल में उसका होने वाला पति उसको बहाने से बुलाकर ले जाता है और उसकी बुरी तरीके से हत्या कर देता है और खुद उसको कहता है घर वालों के साथ आकर के मिलके कि हाँ वो कैसे हो गया क्या हो गया। बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि खुद कातिल निकला। तो मजहब का मैटर नहीं है देखना ये होगा कि जिम्मेदार कौन है क्यों करता है ऐसे। क्योंकि बहुत सारे ये इनको मैं बोलती हूँ कि ये मानसिक रोगी है इनको नहीं समझ में आता है ये क्या करने जा रहे हैं। और सवाल एक मैं और छोटा सा लेना चाहूंगी। फैजाबाद में एक मासूम बच्ची अनन्या नाम की गौरव जी आपने भी देखा होगा सुना होगा अनन्या नाम की बच्ची का मर्डर कर दिया जाता है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कहता है झूले से गिरकर मर गई लेकिन उसको जो सीसीटीवी फुटेज निकलता है उसमें बच्ची का ऊपर से गिर करके मौत हो रही हो। हमारे बहुत सारे समाज सेवी साथी उस पर अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं कि उस जो कातिल है जो कसूरवार है उसको सजा होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है उनको रोक देता है कि आप इस जुल्म के खिलाफ आवाज मत उठाइए। ये कहा कि वो भाई स्थिति है अगर हम किसी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने जा रहे हैं आप उसको रोक रहे हैं आप अपराध को और बढ़ावा दे रहे हैं तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा। देश की बेटियां देश की बच्चियां तभी बचेंगी जब आप मजहब के चश्मे से हट करके बच्चियों को इंसाफ दिलाने का काम करें वो किसी भी मजहब किसी भी धर्म जाति से आने वाला हो। लेकिन आप इस तरीके की बात ना करके इन मुद्दों को अगर राजनीतिकरण का मुद्दा बनाना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है इससे अफसोसनाक दर्द भरी बात आपने हत्या कर दी थी टुकड़ों में 32 टुकड़ों में उसको काट दिया था वो भी बता रहा है सुनी साहिब भाई। मैंने ये तो भी बताया ना कि लंबियात भी एक एजेंडा चल रहा है। नवोदय विद्यालय था गौरव भाई वहां पर भी एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हो जाता है वो गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। और जो मौजूदा एमएलसी है पवन सिंह जी इनका जो एसआर कॉलेज चल रहा है उस पर देखिए बच्चे की हत्या हो जाती है उसको भी लीपा पोती करके बिल्कुल पिक्चर से गायब कर दिया जाता है। तो इसको संज्ञान में लेना पड़ेगा चाहे वो भाजपा की सरकार हो चाहे सपा की सरकार हो चाहे अन्य दल की सरकार हो। जब तक इस तरीके की कार्यवाही नहीं करेंगे अपने लोगों को बचाने का काम करते रहेंगे मुझे लगता है बच्चियों की सेफ्टी हो पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और छोटी सी बात मैं और कहना चाहूंगी कि जहां पर
जो बच्चियां हमारे देश का गौरव हैं, जो बच्चियां हमारे देश का सम्मान बढ़ाई हैं, उन बच्चियों के साथ जो आम नागरिक है वो तो हत्या कर ही रहा है, लेकिन जिस लोकतंत्र में हम जीवित हैं, जो इस लोकतंत्र में हम अपनी मांग को मांग सकते हैं संवैधानिक तौर से, साक्षी मलिक जैसी, विनेश फोगाट जैसी बच्चियां अपने अधिकार के लिए, बताइए वहां यौन शोषण हो चुका है। आप जब यौन पॉक्सो एक्ट के तहत अगर यौन शोषण का FIR लॉन्च कर दिया जाए, फौरन आपको उसको अरेस्ट करना चाहिए। आज 15-20 दिन महीने भर से ये मामला चल रहा है, अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुए सब, तो आप अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं ना। इस अपराध को आप कैसे रोक पाएंगे? बच्चियां संसद भवन के लिए जा रही हैं, अपनी मांग को लेके जा रही हैं, उस दर्द को लेके आगे बढ़े कि हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है। साहब वहां पर तो आप उनकी अवभगत कर रहे हैं, उस अपराधी की, वो अपराधी है क्योंकि FIR लॉन्च हो चुकी है, उसके बाद भी आप संज्ञान में नहीं ले रहे, कहां आप सुरक्षित कर पाएंगे बच्चियों को? भाई यहाँ पर अमर गुरु की बात का जवाब देना है आपको, देव पांडे जवाब देना है, और अजरा मोमिन की इस बार का जवाब देना है जो उन्होंने सांसद के ऊपर लगाए हुए आरोपों पर कही है, कैसे सुरक्षित करेंगे? गौरव भाई, मैं अपनी बहन जो बैठी है सामाजिक कार्यकर्ता, यही से शुरू करता हूँ और अयोध्या से ही शुरू करता हूँ। इनको रोक दिया पुलिस ने जी, बहुत बुरा लगा। क्या वहां पर गैंग रेप का मामला दर्ज हुआ या नहीं हुआ जी? विद्यालय का प्रधानाचार्य या विद्यालय के जो भी दोषी लोग उसमें नामजद थे वो गिरफ्तार हुए या नहीं हुए? यानी कि प्रशासन अपना काम कर रहा है। मैं आता हूँ यहाँ पर चंडिका देवी वाले विद्यालय, जो MLC साहब का स्कूल, SR कॉलेज जी, जी SR कॉलेज जी, उस कॉलेज में जो भी घटना हुई पुलिस ने उसकी पूरी जांच की, और जांच के बाद उसमें रिपोर्ट आ गई कि ये आत्महत्या का केस है, न कि हत्या का केस। हम आप बैठकर यहाँ टेलीविजन पर अगर साबित करने पर लग जाएं कि नहीं ये हत्या नहीं है, ये आत्महत्या है, ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है, तो पुलिस का काम खत्म हो जाएगा, कानून का काम खत्म हो जाएगा। हम आप यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा। और वही जघन्य अपराध दिल्ली के लोगों ने किया है कि जो कैंडल लेकर तो चौराहे पर पहुंच जाते हैं, इंडिया गेट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उस बच्ची की जान बचाने के लिए किसी की हिम्मत नहीं थी उन नपुंसक लोगों में कि वहां पर उसको जो है रोक सके, उसको वीडियो बना रहे थे वो लोग। तो हम उस तरफ न बढ़े तो ज्यादा बेहतर है। अब मैं आता हूं जो हमारे देश की नाम रोशन करने वाली महिलाओं ने, लड़कियों ने जो वहां पर एक सांसद के ऊपर आरोप लगाया। देखिए आरोप लगाया है जी, आरोप जनवरी से लेकर और अभी तक जो आरोप चल रहे हैं, जनवरी में कुछ चीजें हुई जी, उनकी ओलंपिक एसोसिएशन ने एक कमेटी बनाई, खेल मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई जी, और उस कमेटी में PT उषा जी, जब ये लड़कियां पैदा नहीं हुई थी जो आंदोलन कर रही हैं, तब वो मेडल लेकर आई थी हिंदुस्तान के लिए। अच्छा। डोला बनर्जी जी, मैरी कॉम जी, ये सारी लोग अवार्डी हैं, कोई एक मेडल नहीं है, कई कई मेडल है इन लोगों के पास। अच्छा। उन लोगों ने को जांच का जिम्मा दिया गया। अच्छा अच्छा। उन्होंने जांच की रिपोर्ट अपनी दे दी जी, लेकिन इन लड़कियों ने, इन महिलाओं ने, जो भी पीछे से जहां से भी हो, उनको भी मानने से मना कर दिया। अच्छा अच्छा। तो क्या यही सिर्फ अवार्डी है? वो अवार्डी नहीं है जी, वो गलत है। अच्छा। वो महिला नहीं है जी, पहला सवाल जी। दूसरी चीज, इतने सालों के पहले आरोप आपने लगाना था, जिस जो चीज वो क्या कहते हैं यौन उत्पीड़न संघर्ष समिति, कुछ कुछ समिति बनी हुई है जो कुश्ती मंत्रालय, कुश्ती WFI में है, उसकी एक मेंबर भी हो रही थी साक्षी जी, जी जो आज खुद धरने पर बैठी हैं, जिनको जांच करने का अधिकार दिया गया था जी, क्या उनके सामने कोई मामला, उनके दस्तखत से एक मामला दिखा दिया जाए, यौन उत्पीड़न का मामला उनके पास आया है, वो नहीं दिखा पाए जी। और अपने खुद बैठ, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, आपकी बातों का मैं जवाब दे रहा हूँ, आप सुनिए, जिस तरीके से आप डिफेंड कर रहे हैं, यही है अपराध बढ़ाने को आगे अपराध बढ़ा रहे हैं इस तरीके से। आप उनको लीपा पोती करके मत कीजिए, जिन बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ है क्या उन्होंने गलत कर दिया? एक मिनट अश्विनी भाई, मेरी बात सुनिए, औरत की, महिला की इज्जत सबसे बड़ी चीज होती है, वो अमूल्य चीज होती है, और कोई भी महिला, कोई भी बच्ची अपनी इज्जत को ऐसे नहीं बोलेगी कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ यौन शोषण हुआ है। यहाँ बैठकर आरोप लगाएंगे और विक्टिम कार्ड खेलेंगे, आप महिला है, बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाई महिला के साथ यौन शोषण हो जाएगा, आपको बताना आएगा, पहले आपको बताना आएगा, आप उसको पहले पता करेंगे आप।
आप। अच्छा ये आप महिला जब खुद इतनी बड़ी गोल इतनी बड़ी मेडलिस्ट वो बोल रही है। नहीं आप मेरी बात आप गलत कर रहे हैं, आप डिफेंड कर रहे हैं, आप डिफेंड कर रहे हैं ना। इसी तरीके से अपराध महिलाओं के साथ जो असुरक्षा बढ़ रही है वो इन्हीं कारणों से बढ़ रही है। आप सफाई मत दीजिए ना उस पर, उनको बचाने का काम मत कीजिए। जो गलत है आप उसको गलत बोलिए। नहीं तो मैं कह दूं कि आपने कहा है और आपके साथ मैंने रेप किया है, अभी मैं खुला कह रहा हूँ। अरे ये कौन सी बात है, अरे ये कौन सी बात है भाई। देखिए मेरे साथ तो कुछ भी कर पाना बहुत नामुमकिन है, मैं इतनी कमजोर महिला नहीं हूँ। आप इस तरह से बात कर रहे हैं, आप ऐसे कोई नहीं कह देगा कि आपकी बेटी के साथ कोई रेप हो गया। ऐसा थोड़ी ना कोई कह देगा, ये तथ्यात्मक थोड़ी नहीं होगा। ऐसे मैं थोड़ी ना कह दूंगी कि आपकी बेटी के साथ रेप हुआ, आपकी बेटी के साथ यौन शोषण हुआ। मैं ऐसा थोड़ी नहीं बोल दूंगी, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि आपकी बेटी के साथ बलात्कार हो गया है। जहाँ तक सच्चाई होगी तभी कुछ होगा। बगैर धुआं के आग नहीं उठती है सब, बगैर धुआं के आग नहीं उठती कर रहे हैं। अच्छा जांच की रिपोर्ट आने दीजिए। ठीक है बोले बोले असीर भाई। गौरव भाई क्या कहते हैं सर? पॉक्सो एक्ट क्या कहता है? पॉक्सो एक्ट क्या कहता है? कब तक बचाते फिरेंगे भाई आप? एक दिन आएगा कि आप विनय सोमवार को भी मार के फिकवा देंगे, मार के फिकवा देंगे, सारी खत्म कर देंगे आप। बेजोस से चंदा लेने वाले वो अमेरिका वाले व्यापारी से चंदा लेने वाले आप लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा थोड़ा शांत हो गया, संगठन नहीं उनका भाई, संगठन नहीं है। आप क्या कितने मठों में चंदा हो रहे हैं उसकी जानकारी दे दीजिए ना, जरा मठों की चंदा बता दीजिए। अकेले समाज सेवा नहीं होती है, जहां भी चंदे आ रहे हैं मैं उसकी भी कंडम करती हूं भाई। अच्छा ठीक है, होता अब बहस करा लीजिए, नहीं तो बोलो। बोलिए मैं अपनी बात कह रहा हूँ, बीच में इनके पेट में दर्द हो गया, बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता बनती हैं। महिला के बारे में बोलेंगे बिल्कुल दर्द होगा, महिला जब भी आप महिला के बारे में दर्द होगा। खुदा ना करे कि आपकी बेटी के साथ भी ऐसा होगा, तब भी मुझे दर्द होगा, तब भी मुझे दर्द होगा साहब, तब भी मैं सड़क पर नजर आऊंगी अश्विनी जी, क्योंकि आप लोग सच्चाई नहीं एक्सेप्ट करते हो। चले बोलिए, ये शर्मिंदगी है इन लोगों की, इस तरीके से शर्मिंदगी नहीं, मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ, मैं महिला हूँ, एक बच्ची का दर्द समझती हूँ। महिला है तो विक्टिम कार्ड नहीं खेलेंगी। अच्छा ठीक है, आप बचाएंगे? अरे आप बचाने का लिपा पोती का काम करेंगे? आप बचाने का काम करते रहेंगे? बात सुनिए, शांति से ध्यान से सुनिए, विक्टिम कार्ड मत बोलिए। बोलिए 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 साहब, गौरव जी बोलिए। मुझे लगता है सुनील चौधरी जी को बोलने का कोई मौका आप नहीं देना चाहिए। अच्छा उन्होंने बहुत बड़ी बात इस डिबेट में बोल दी। अच्छा बहुत बड़ी बात इस पैनल में बैठ के उदाहरण देने के लिए उन्होंने अपने साथी महिला बहन चर्चा बनाई है, को देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इससे घिनौना तो कुछ नहीं चाहते इस बात को, इनकी सोच से सुनना चाहते हैं। और मैं अपने अश्विनी चौबे से पूछना चाहता हूँ, अश्विनी जी आप तो बलात्कारियों को संरक्षण देने वाले हैं, आप अश्विनी जी आप बलात्कारियों को संरक्षण देने वाले हैं, आप चैनल पे बैठ के मुझे आप बलात्कार मेरे साथ रेप की बात कर रहे हैं, आप बला आप इतने सम्मानित चैनल पे बैठकर मेरे साथ बलात्कार करने की बात करिए। शर्म कीजिए, शर्म कीजिए, चुल्लू पर पानी में डूब जाइए। बैठकर बात करती हैं आप, आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने कर लीजिए अपने सेंटेंस को, फिर से आप देख लीजिए क्या आपने बोला है। अश्विनी भाई आपको माफी मांग लेनी चाहिए। बोलिए अश्विनी जी, गौरव जी, अश्विनी जी ने कहा कि तमाम महिला जो पदक विजेता रही हैं उनकी एक कमेटी बनी, और नहीं वो आरोप की बात अलग है, जांच कमेटी बनी उसमें मेरी काम रही फला फला रही जी, और जांच ने रिपोर्ट दिया और इन्होंने माना नहीं जी। रिपोर्ट कब आया नहीं आया तो देश पूरा जानता है जी, पता नहीं इनको क्या जानकारी है, चौबे जी को मैं नहीं जानता जी। अरे चौबे जी बस इतना बता दे, चौबे जी एक मिनट यही तो हो रहा है, चौबे जी बस इतना बता दे, और कल जब कुछ होता है तो ये लोग कैंडल मार्च लेकर बता दीजिए कल दिल्ली में, और कहते हैं कि पुलिस गलत कर रही है, तो ऐसे बात नहीं होती है, बात ही नहीं पूरी हुई। आपके पास लूंगा आशीष भाई, आप जवाब देंगे नहीं बुलवा लीजिए आप, चौबे जी नहीं आप बोलिएगा, चरित्रवान पार्टी का पूरी बात है, इनका बात दर्द चरित्रवान पार्टी के नेता मैं मानता हूँ जी। चौबे जी बस इतना मुझे बता दीजिए, चौबे जी नहीं साई जी, कल दिल्ली में साई जी कल दिल्ली में बेटियों के साथ जो हुआ उसे क्या कहते हैं? लीजिए आप क्या है वो, कल घसीट घसीट कर जिन बेटियों को आप लोगों ने मारा, पटक पटक के मारा। अच्छा और दो मिनट के अंदर FIR भी दर्ज हो गया। अच्छा
उनकी आ भगत आपने की, जूतों से पिटाई की, चढ़के सीने पे आपने पिटाई की, लाठियों से मरवाया, बाल तक में चुभाया। अच्छा, ये कौन सा महिला सुरक्षा कर रहे हैं भाई आप? अच्छा, ये महिलाओं के स्वाभिमान कांग्रेस के रोड पे आएगी इसके लिए? कांग्रेस रोड पे कब आएगी इसके लिए कि बयान देगी केवल? अरे ये कांग्रेस रोड पे आना हो या कहीं भी पहुंचना हो जी, वो ये मोहताना बैठकर बहस को टीयर कर देती है। जब आप अगर बहस इस तरीके से चर्चा हो रही है, पर युद्ध कर रहे हैं ये लोग जो है बैठकर जवाब देने देते हैं, लड़की हूँ लड़कियों का नाम गलत है, गलत है, शाही जी जवाब तो हमें मुखर होके देना पड़ेगा। आप जब चैनल पे बैठ कर मेरे ही साथ आप बलात्कार की बात कर रहे हैं, बताइए शर्म की बात है? आप इतने सम्मानित चैनल पे बैठे हैं, आपको तो माफी मांगनी चाहिए, लेकिन आप लोग नहीं मानेंगे क्योंकि आप मनुस्मृति को मानने वाले हैं। हो गया हो गया, ठीक है ठीक है, आप लोग तो खुद ही हो गया। अमित भाई हो गया, चलिए जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की महिला ब्रिगेड की मंत्री कहाँ है? वो भारी भरकम अमित भाई हो गया, अमित भाई अभी पकड़ूंगा आपको, दूसरा टर्न लूंगा, प्लीज दो मिनट रुक जाइए। अस्सी जाइए, अपनी बात पूरी करिए, निकलेंगी बेटियों की लाश के लिए। यहाँ पर आपसे जवाब मांगा जा रहा है, सबको जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। बी अस्सी भाई, अब जवाब मैं दे रहा था, लेकिन बीच में बोलेंगे लोग, मैं तो यहाँ पर ओपन हो जाता जी। बोलिए बोलिए अश्विन भाई, बोलिए। मैं सही जवाब के लिए बैठे हैं, गलत जवाब के लिए यहाँ पर टाइम नहीं देने बैठे हैं। दादा प्लीज भाई, इनके क्या मतलब जो आप फिर मैं कुछ बोलूंगा का आप कहेंगे गलत? मर्यादा में रहिए, मर्यादा में रहिए, मर्यादा में रहिए। मैं कुछ भी बोल रहा हूं, मैं ये महिला के नाम आप कुछ भी क्यों बोल रहे हैं? आप ये क्यों बोल रहे हैं? नहीं नहीं, अमित गुरु, अमित भाई, अमित भाई, अमित भाई प्लीज, हो गया अमित भाई, हो गया, हो गया, अब हो गया। आप कुछ भी बोल रहे हैं, असली जाई बोलेंगे जी। अरे महिलाओं के साथ बिल्कुल इतने बड़े बड़े फिर विक्टिम कार्ड महिलाओं के साथ रोना। अच्छा, धोना छोड़िए, खिलाफ छोड़िए। अच्छा, और सामाजिक कार्यकर्ता का ढोंग बंद करिए। कैसी बात कर रहे हैं भाई, आधी आबादी कहाँ पहुँच गई है? जेट एरोप्लेन उड़ा रही है, आप बोल रहे हैं खाना बनाइए, ये कौन सी बात है? ये कैसी मान सकता है? ये कैसी मान सकता है? ये कैसी मान सकता है? आपके वक्तव्य से सारा कुछ जाहिर हो रहा है, आपके सेंटेंस से ही सारा कुछ पता चल जा रहा है कि आपकी सोच क्या है, विचारधारा क्या है। आप महिला विरोधी विचारधारा के लोग हैं, महिला विरोधी विचारधारा के लोग हैं। मनुस्मृति को मैंने पढ़ रखा है, मुझे पता है, खाली आप प्रेम कर रहे हैं जनता के साथ। कावा पहनकर हिंदू लड़कियों का बलात्कार करते हैं, अपहरण करते हैं और हत्या करते हैं, और आप कहती हैं यहाँ पर जस्टिफाई करती हैं बैठकर सरकार आपकी तंत्र आपका यंत्र आपका सजा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? सरकार आपकी सब कुछ आपका सजा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? जस्टिफाई करती हैं, वो कह रहे सरकार में जाते हैं कई बार पहन के आते हैं, आगे वाले आते हैं। ब्रिजभूषण सिंह को जेल में डालिए ना, क्यों नहीं डाल रहे सब? चले ठीक है, वो ब्रिजभूषण सिंह को आपके बस की बात नहीं है। अरे इनके जैसे लोगों को बुला लेते हैं जिनके कहाँ पर क्या है, अब क्या मैं बोलूं? आश्री भाई सबका रहता मैं आपके, नहीं नहीं आपके स्टूडियो में रहता तो जवाब देता इनका, स्टूडियो में बैठकर बोल रही है। जवाब तो आप दे ही रहे हैं, ये भी कह दिया है कि खाना जवाब दे रहे हैं पांडे। देखिए सारी बातों में जो भी बात सामने आई है उसमें अभी आदरणीय अश्विनी भाई ने एक बात कही थी कि टीवी चैनलों का जिक्र हुआ था जिसमें जी, चलिए ठीक है, टीवी चैनलों पे किसी बात को किसी एजेंडे को प्रस्तुत ना करते हुए सबसे पहले एक चीज तो लेकिन टीवी चैनल पे आई थी जिसपे कि सवाल उठता है, आज भी उठ रहा है और आगे उठेगा जी, वो निचले स्तर के कर्मचारियों के भी मन में है, लोगों की भावनाओं में भी है और सत्य को ढूंढने वालों के अंदर भी है जी। सवाल यह है कि सनबीम स्कूल बनारस में जब एक प्रकरण हुआ था इसी तरह का जी, जैसा अयोध्या में हुआ है जी, उसमें वर्तमान के एक आईपीएस अनिरुद्ध सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था जी, 20 लाख की फिरौती मांगते हुए। अच्छा, उस मामले को मैनेज करने के लिए। अच्छा, तो मेरा सवाल यह है कि अनिरुद्ध सिंह पे क्या कार्रवाई हुई? अच्छा, क्या इस कार्रवाई को कोई स्पष्ट कर सकता है जी?
अश्विनी भाई से सवाल पूछा है, अश्विनी भाई बिल्कुल जवाब देंगे, मैं जानता हूँ जिम्मेदार प्रवक्ता है और आदरणीय, पता नहीं आज उनके शब्द असंतुलित कैसे हो गए। अच्छा, लेकिन अनिरुद्ध सिंह पे क्या कार्रवाई हुई? निलंबन को या छुट्टी पे भेजना आईपीएस के लिए कार्रवाई के दायरे बिल्कुल भी नहीं की कार्रवाई, ये कार्रवाई कोई होती कार्रवाई है? नहीं होती है। लेकिन अगर इस ऐसी संलिप्तता किसी निचले स्तर के कर्मचारी की हो, उसकी बर्खास्तगी और उसके ऊपर एफआईआर, उसका अरेस्टिंग, जेल जाएगा। तो ये जो मानक है भेदभाव जो है संस्थाओं में, सुरक्षा देने वाली संस्थाओं में, बिल्कुल सही बात, एक सिंडिकेट का पोषक है और एक कहीं ना कहीं अर्दली समान व्यवहार से भी मुझे लगता है बुरे तरीके के व्यवहारों के आचरण से कारित किया जाता है। तो ऐसी दुर्व्यवस्था के रहते मुझे नहीं लगता कि इस समाज में आप एक उत्तम कानून व्यवस्था को कभी देख पाएंगे। बिल्कुल। दूसरी बात, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर देखिए गैर जिम्मेदाराना रवैया क्यों आता है। अब मैं कहूंगा कि दो जो एसएलपी फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में, जी, बिल्किस बानो को बलात्कारियों को किस दिन छोड़ा गया? जी, समय और टाइमिंग, जी, जिस दिन आप इस देश का सबसे बड़ा गौरव मना रहे थे, पावन पर्व मना रहे थे आजादी का, जी, स्वायत्तता का, संविधान का, जी, उस दिन बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ना मुझे लगता है कहीं ना कहीं संविधान और लोकतंत्र के मुंह पे कालिक पोतने जैसा था। बिल्कुल। और वो सवाल आज भी उठता है, ऐसा नहीं है। और मैं जमीनी हकीकत बता दूं, अश्विनी भाई भले बैठे हैं भाजपा से, संघ के अच्छे कार्यकर्ता हैं, इनके भी हृदय में इस बात का मलाल जरूर होगा कि ये काम गलत हो गया। जो गलत है उसको स्वीकार न करना ही इस लोकतंत्र के सम्मान पे चोट देना और ऐसी नागरिकों को गैर जिम्मेदार बनाने का रवैया अपनाने जैसा होता जा रहा है। जी। लोगों के अंदर से जिम्मेदारी की भावना खत्म होती जा रही है। जी। लोगों के अंदर से संवेदनशीलता खत्म हो रही है। जी। लोगों के अंदर से भारतीयता खत्म हो रही है। लोगों के अंदर जातीयता पैदा हो रही है। लोगों के अंदर धार्मिक उन्माद पैदा हो रहे हैं। लोगों के अंदर धर्म का किसी को पता नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पे कलह कैसे करते हैं वो पता हो रही है, वो जानने लगे हैं लोग। सड़कों पे उतर करके केवल ये जानते हैं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि दोनों के खून का रंग लाल है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गौरव भाई, ये जिम्मेदारी भी हम जैसे राजनीतिक दलों की है, सरकार की है, संवैधानिक संस्थाओं की है। लेकिन अब एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा, अन्यथा नाले अगर इस मंच पे बैठे आसीन लोग, कल एक आईपीएस का मैंने एक ट्वीट देखा, डॉक्टर एनसी अस्थाना रिटायर्ड आईपीएस ट्विटर पे हैं। हालांकि ये कविता मैंने लिखी थी, एक सिपाही का एक्सीडेंट हो गया था तो मेरा हालांकि आज ट्विटर ब्लॉक करवा दिया गया है। उस पर आपने देखा होगा कल जंतर मंतर पे एक प्रकरण था, खिलाड़ियों ने जब उग्रता दिखाई तो खिलाड़ियों ने कहा कि हमें नहीं जाने दिया जा रहा तो हमें गोली मार दो। अच्छा, ये एक धरना प्रदर्शन में जनरली आक्रोश भावना, जब या तो जब आपकी जन भावना को रोका जाता है तो ये एक ऐसे लोकोक्ति वाले शब्द है जो जनरली आते हैं, लेकिन पुलिस ऐसा कुछ करती नहीं है। जी। लेकिन एक रिटायर्ड आईपीएस के शब्द सुन लीजिए, देखिए ट्विटर पे है बाकायदा उसके। जी। जरूरत हुई तो गोली मारेंगे मगर तुम्हारे कहने से नहीं, अभी तो सिर्फ कचरे के बोरे की तरह घसीट कर फेंका है। अच्छा। दफा 129 में पुलिस को गोली मारने का अधिकार है, उचित परिस्थितियों में वो भी हजरत पूरी होगी। अच्छा। मगर वह जानने के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक है, फिर मिलेंगे पोस्टमार्टम की टेबल पर। तो मुझे लगता है कि ना सरकार खिलाड़ियों के खिलाफ है, न सरकार फिलहाल सांसद के साथ है। जी। लेकिन जी। दिल्ली पुलिस के कार्यप्रणाली पे सवाल इसलिए उठाता हूं, 164, 161, 164 फिर अरेस्टिंग, जांच, इन्वेस्टिगेशन, फ्रेम चार्जिंग, ये किसका काम है? जी। ये न सरकार करेगी जी। और ना ही सांसद के लोग करेंगे। ये करने का काम दायित्व तो दिल्ली पुलिस का है। दिल्ली पुलिस सो रही है क्या? जी। दिल्ली पुलिस के अधिकारी ऐसा ट्वीट कर रहे हैं, क्या यह जन भावना में आक्रोश भड़काने जैसा नहीं है? बिल्कुल है। अगर आपके समर्थक हैं तो इन खिलाड़ियों के आलोचक अगर आपको सड़कों में दिखाई दे रहे हैं तो इनके समर्थक भी आपको दिखाई दे रहे हैं। जी। क्या इन खिलाड़ियों के समर्थक अगर ऐसे ट्वीट पढ़ने के बाद उग्र होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, बताइए मुझे आप? और अगर सरकार संवेदनशीलता के साथ है, खिलाड़ियों के साथ करी, तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं करती? किसने अधिकार दिया इनको बैठ करके रिटायर होने के बाद इस तरह के शब्दों को सोशल डोमेन में लिखे जा रहे हैं? और एक ट्वीट इनका पढ़ देता हूं, सुन लीजिए, सुन लीजिए, जिम्मेदार अधिकारी है भाई, इन्हीं लोगों के हाथ में हमारे देश की कानून व्यवस्था है। बोल लीजिए। आज शुभ मुहूर्त था, बड़े दिनों से गंदगी फैला रखी गई थी। अच्छा। दिल्ली पुलिस को बहुत बधाई कि गंदगी को घसीट कर गंदगी की तरफ फेंका। अच्छा। आ हा हा, पुलिस जब अपने अधिकारों का उचित प्रयोग करती है अच्छा लगता है। स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा, दंडो दमयातम अस्मि, दुष्टों के लिए मैं दंड हूं। अच्छा। एक आईपीएस राष्ट्रीय खिलाड़ियों को कचरे की बोरी से संबोधित कर रहा है। गंदगी
वो अगर जंतर मंतर पे बैठे हैं तो वो गंदगी थी, लेकिन जिस दिन ये विपक्ष में भाजपा के सरकार के लोग बैठे थे, जिन्होंने आज ऐसे आईपीएसओ के या मीडिया सेल ने जिन्होंने आंखें मूंद रखी है, तो जिस दिन वो धरना प्रदर्शन करते थे वो क्या थे? कूड़े का ढेर। ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक इसलिए नहीं है गौरव भाई, कुछ ऐसे निकृष्ट लोग तो के नजदीक ऐसी गंदगी सिर्फ अश्विनी भाई से ये निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे गैर जिम्मेदार लोग जो उन्माद फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, इन लोगों पे आपको ध्यान देते हुए कार्रवाई करनी है। अंकुर भाई, समय थोड़ा आज आपको कम मिल पाया, अंकुर भाई अपनी बात रखिए जी, कुछ बोलना चाह रहे थे आप जी। जी देखिए गौरव भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज मुझे बड़ा दुख लगा कि भारतीय जनता पार्टी के इतने परिपक्व नेता हैं अश्विनी भाई, और वो आपके चैनल पर डिबेट में बैठ के महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है उन्हें अपनी इस आपत्तिजनक बयान को या टिप्पणी को तत्काल वापस लेना चाहिए और खेद व्यक्त करना चाहिए, एक बात जी। दूसरी बात है कि लगातार वो माननीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी के बचाव में लगातार टिप्पणी कर रहे हैं, ठीक है, तो माननीय ब्रजभूषण आप और लगातार आप उदाहरण दे रहे हो कि एक जांच कमेटी बनाई गई थी, वो जांच कमेटी जो है उसमें उसके समक्ष कोई भी ऐसी बात उभर के नहीं आई, और उस जांच कमेटी में पीटी उषा जैसे वरिष्ठ लोगों का नाम आप दे रहे हो। सवाल ये है क्या जो जांच कमेटी बनाई गई थी वो लीगली कॉन्स्टिट्यूट थी, क्योंकि FIR दर्ज होती है 154 CRPC के अंतर्गत, और जब FIR दर्ज हो जाती है तो उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन एंड अदर प्रोसेस चलता है आपका CRPC से, और उस 154 की FIR दर्ज होने के बाद ये तो आपकी जांच कमेटी रिपोर्ट है ये तो कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन भाई तो पुलिस होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में पुलिस द्वारा जब CRPC के प्रावधानों का फॉलो ही नहीं किया जा रहा है, पालन ही नहीं किया जा रहा है, तो आप त्वरित न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? और हमारे यहाँ तो रूल ऑफ लॉ लागू है, लोकतंत्र है, आप ना रूल ऑफ लॉ के प्रोविजन को फॉलो कर रहे हो ना लोकतंत्र को आप पालन कर रहे हैं, और देश के लिए पदक लाने वाली महिलाओं के सम्मान में आप उनके विपरीत टिप्पणी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा के प्रतिनिधि महोदय से मेरा निवेदन है, अनुरोध है, मामले पे चली गई जी, बोलिए। नहीं, पूरी डिबेट पहलवानों पे नहीं चली गई, पूरी डिबेट महिला सम्मान पे है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे, भरी डिबेट में बैठ के बोलते हैं कि महिला के ऊपर रेप वाली बात, गायत्री रघुराम के शब्द याद होंगे, गलत है। अंकुर भाई, आप ही की बात में बढ़ा रहा हूँ, गायत्री रघुराम की तमिलनाडु की जो महिला प्रकोष्ठ की नेता थी उनके शब्द याद होंगे, जब उन्होंने भाजपा छोड़ी उनके शब्द थे भाजपा में महिलाएं सुरक्षित नहीं। हरिओम पांडे, पूर्व सांसद, कहते हैं टिकट पाने के लिए पैसे और लड़कियों को सप्लाई करना पड़ता है भाजपा के बड़े नेता। अच्छा, ये वक्तव्य कहां से आते हैं? अच्छा अच्छा, ये वक्तव्य भाजपा के नेताओं के हैं, छोड़ने के बाद ही क्यों आते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये भी बड़ा प्रश्न है, ठीक है, सवाल तो ये भी है, छोड़ने के नहीं नहीं, मैं आपकी बात पे टोकूंगा नहीं अश्विनी भाई, मेरा सिर्फ एक सवाल ये है, छोड़ते समय अगर ये बातें जैसा कि अभी गौरव भाई ने कहा कि ये बात हमेशा देखा मैंने, तो यही तो मेरा सवाल है कि संस्था के अंदर कोई जब मलाई खाते हैं तब शब्द क्यों नहीं आ जाते हैं? तमाम बड़े नाम रहे विवेक भाई, मैं यहाँ पर किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करा रहा, पर मैं देखता हूँ कि ये भावना जो बोलती है महिलाओं के प्रति सुरक्षाओं की, महिलाओं के प्रति यहाँ पर शोषण की, तो जब सरकार में रहते हैं या पार्टी में रहते हैं या व्यवस्थाओं में रहते हैं तब ये शब्द क्यों नहीं निकलते? चुनी हुई सरकारों क्या मुंह लेते हैं या भाव मर जाते हैं? बिल्कुल, चुनी हुई सरकारों को गिरा गिरा करके सरकार बनाने की परंपरा किसने शुरू की? गौरव भाई अगर इजाजत हो तो बोले 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 बोलना विवेक भाई, इतनी चीजें गिना गए जी, लड़की लड़के हैं, गलती हो जाती है जी, पार्टी में रहते ही इसका बोला भी, इसका भी तर्क है मेरे पास, साध्वी साक्षी महाराज को भूल गए आप, अभी कुछ आपकी साध्वी ने क्या कहा था, लड़कियां पहले खुद को सौंप देती हैं, अच्छा उसके बाद आरोप लगा देती हैं, आप ही की साध्वी हैं, आप ही की मंत्री हैं, आप ही के नेता हैं, कहा तो मतलब अब साध्वी और मुलायम सिंह जी का की तुलना आप कर ले तो मैं तो राजनीतिक दलों के वक्तव्यों की तुलना कर रहा हूँ, जो आप कर रहे हैं उसी का प्रत्युत्तर दे रहा हूँ। KC वेणुगोपाल आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है शायद युवा कांग्रेस के या किसके जी, और उनकी एक आसाम की एक युवा कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता ने मुकदमा उनके ऊपर दर्ज कराया, क्या स्थिति हुई? न प्रियंका गांधी का बयान, न राहुल गांधी का बयान, KC वेणुगोपाल पर क्या कार्यवाही जी? अभी धौलपुर में एक घटना हुई थी जी, राजसमंद जिले में जी, वहां पर एक लड़की को 14 साल की लड़की को ट्रक ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर और 7 लोगों ने मिलकर गैंग रेप किया। धौलपुर में जो घटना हुई वो घटना थी, लड़की सोच गई थी 12 साल की, उसके साथ गैंगरेप किया गया कट्टा दिखाकर, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई जी। मैं अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे हाथरस की घटना का जिक्र किया उन्होंने जी।
आती थी प्रियंका जी, राहुल जी हंसते हुए अट्टहास करते हुए आते थे, और कितना जयंत चौधरी जी भी गए थे, मैं अंकुर जी को भी बता दूं, लेकिन वहां पर क्या था, जिस दिन ये लाठीचार्ज भी किया था आप लोगों ने, लाठीचार्ज भी करवाया था, ये भी मुझे जानकारी है, उस दिन इन लोगों ने मजाक उड़ाया उनका। अच्छा। रिपोर्ट फाइनली आई, कोई रेप की, गैंग रेप की कोई घटना नहीं है, किसी का मजाक नहीं उठाया गया है, सभी लोग किसी का मजाक नहीं उड़ाया गया है, मानवीय गरिमा तारतार 304 में उसको जेल भेजा गया है, 304 हाथरस की घटना में सीबीआई की रिपोर्ट क्या कहती है गौरव भाई, हाथरस की घटना में सीबीआई की रिपोर्ट ने यूपी पुलिस की रिपोर्ट को पलटा और ये कहा कि उसमें 3 IPS और 2 IAS जो है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और उसमें गैंग रेप की पुष्टि, बकायदा रेप की पुष्टि हुई थी, अदालत ने क्या कहा, उसमें रेप की पुष्टि हुई थी, अदालत ने क्या कहा, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं आपकी बात को बता दू, नहीं एक मिनट, दस सेकंड अंकुर, अश्विनी भाई की बात का जवाब दे दूं, मैनपुरी वाली नवोदय विद्यालय वाली घटना में मैनपुरी पुलिस ने क्या कहा था, कोई रेप नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन जब हाईकोर्ट ने, आपको याद होगा, सुन लीजिए, अरे भैया सुन लीजिए, रिपोर्टें कैसे पलटी जाती हैं वो तो सुन लीजिए, प्राथमिक जांच में जब हाईकोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई कि रेप हुआ तो डीजीपी तक को तलब कर लिया गया था, इलाहाबाद न छोड़ने के निर्देश दिए गए थे सुनवाई होने तक, और मुकुल गोयल डीजीपी थे, आपको पता होगा कैसे मैनिपुलेशन होता है, कैसे रिपोर्टें बनाई जाती है, बनवाई जाती है, सत्ता पक्ष के लोगों को कैसे व्यवस्थाएं दी जाती है। अभी मैं नाम ले लूंगा, सनबीम अयोध्या जी छोड़ दीजिए, बहुत बड़े आपके भाजपा के नेता हैं, उन वो उस प्रबंधक हैं शायद उस स्कूल के, छोड़ दीजिए इस बात को, मुद्दे की बात यह है कि अच्छा काम किया यूपी पुलिस ने, अरेस्ट कर लिया, और जरूरी है ये कि ऐसी चुनौती अगर सामने आती है तो अश्विनी भाई खुल करके चुनौतियों का सामना करते हुए खुला संदेश देने की आवश्यकता है, और सरकारें अपराधों से देखे, सरकारें अपराधों के कारण चिंतित की जाए, ये काला सच होगा, लेकिन वास्तविकता ये होगी कि लोकतंत्र तब होगा सरकार किसी की हो, अपराधी कैसा हो, बचना नहीं, बोले नहीं बचेगा, योगी आदित्य जी का साफ निर्देश है, इसीलिए पूरे देश में ये लोग कहते हैं हमारे प्रदेश में भी पूरी दुनिया आना चाहिए, जो उन्होंने परिभाषा बदल कर रख दी, और आज चाहे वो समाजवादी पार्टी का नेता हो या समाजवादी पार्टी का, माफी मांगने बोल रहे हैं क्या, खेत बताइए किस बात के लिए, महिला के लिए आपने बोला इस तरह से, जो महिला को लेकर भाई, महिला पैनलिस्ट को लेकर टिप्पणी की उसके लिए अगर बीच में बोल रही फिर बीच में बोले ध्यान से, कृपया निवेदन है कि थोड़ा सा आखिरी कमेंट है, बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, ये महिला होकर अगर बीच में बोल रही है, मैं अलग बैठा हुआ हूँ, मैंने अरे फिर सुनिए भाई, आप यही बोलेंगे ना, अगर मैं बीच में जवाब मांग रही हूँ आपसे तो आप मेरे साथ बलात्कार होने की बात कर लेंगे, आपको शर्म आनी चाहिए, आप इतने सम्मानित प्रवक्ता बन के बैठे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, माफी मांगी है, बोलिए अश्विनी भाई, बोल लीजिए जी जी, देखिए फिर ये बीच में मैं कहने जा रहा था कि अगर मैंने उदाहरण देते समय इन्होंने अगर मुझे, देखिए पहली चीज आरोप लगाते हुए इनको जो करना हो कर लें जी, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर आरोप मैं बात करते करते अगर किसी भी गलत शब्द का मैं प्रयोग कर गया और उससे किसी की भावना को ठेस पहुंची, मैं माफी मांगता हूं, लीजिए ठीक है ठीक है ठीक है, ये लोग बहस करने के लायक नहीं है भाई, अभी ये बार मत बोलिए अश्विनी भाई प्लीज, सबका अपना अपना सबका अपना अपना स्थान, नहीं मेरी बात जब पूरी नहीं हुई तो बात का अर्थ का अनर्थ होगा, ठीक है ठीक है ठीक है, अमर गुरु आखिरी कमेंट, उदाहरण दिया है अमर गुरु, आखिरी कमेंट, वो उदाहरण दिया था, चल ठीक है अमर गुरु आखिरी कमेंट बोलिए, डिबेट ओवर हो गई मेरी, बोलिए अमर भाई, बोलिए अमर गुरु प्लीज, अमर भाई आपको मेरी आवाज आ रही है, ठीक है ठीक है ठीक है, आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने बहुत धन्यवाद, तो यहाँ चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी और चर्चा थी यहाँ पर दिल्ली में हुए साक्षी हत्याकांड को लेकर, चाकुओं से गोद कर हत्या कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करती है, वो समाज को भी शर्मसार करती है जो वहां खड़ा खड़ा तमाशबीन बना हुआ था, पर यहां पर मुद्दा केवल साक्षी हत्याकांड का नहीं बल्कि यहां पर मुद्दा पहलवानों के शोषण का भी शुरू हो गया था,
जो लगातार जनता मंत्र पर आंदोलन कर रहे थे, कल जिस तरह से उनको हटाया गया उस पर भी प्रश्न उठना लाजमी है। महिला चाहे पहलवान हो और चाहे 16 साल की नाबालिग साक्षी, महिला महिला होती है। हमारे देश में महिलाओं का नवरात्रि पूजन भी होता है, सम्मान भी होता है, हम कन्या पूजन भी करते हैं और सम्मान भी देते हैं कि महिला सभी रूप में हमेशा देश को, समाज को एक व्यवस्था को देती नजर आती है, चाहे माँ का रूप हो, चाहे बहन का रूप हो, चाहे बेटी का रूप हो, वो सभी रूपों में अपना काम को, अपनी व्यवस्था को, अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करती नजर आती है। अगर वहां पर साक्षी हत्याकांड में जो वहां पुरुष और महिलाएं गुजर रहे थे, अगर उसको लड़की के रूप में, उसको बहन के रूप में देख लेते तो शायद यह हत्याकांड को अंजाम देना इतना आसान ना हो पाता और वहां पर साहिली पकड़ा जाता और शायद आज वो मासूम 16 साल की जिंदा हुई होती। पन्ना को ने किसी ने उसको बहन के रूप में देखा और ना उसको बेटे के रूप में देखा। सब केवल तमाशबीज बनकर देखते रहे और वीडियो बनाते रहे, दिखाते रहे कि 21वीं सदी में हम जी जरूर रहे हैं पर मानवता हमारी खत्म हो चुकी है, इंसानियत हमारे मन की मर चुकी है। तो ना निर्भया कांड दोहराइए, ना सिद्धा हत्याकांड चाहिए, ना साक्षी को चाकू से गोदने की घटना चाहिए। हमको स्वस्थ समाज चाहिए, पर जो वहां पर कसूरवार हैं उनके लिए केवल एक ही शब्द कहूंगा, अगर हत्याकांड का आरोपी साहिल जिम्मेदार है तो वहां पर खड़े लोग, गुजरते हुए लोग भी जिम्मेदार है, जिनके लिए मैं प्राइम डिबेट से एक ही शब्द कहूंगा, बुजदिल और कायर, जिन्होंने वो देखा जहां पर कुछ ऐसा घटित हो रहा था कि एक 16 साल की नाबालिग लड़की की जान चली गई। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।